नमस्कार, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लगातार आप देख रहे हैं गोमती रिवर फ्रंट के सामने से किसका होगा राज तिलक। मेरे दाहिनी तरफ है अंबेडकर पार्क, तो वहीं बाईं तरफ है गोमती रिवर फ्रंट। यहां पर आने वाले लोग इस जगह पर आना नहीं भूलते, यानी कि लखनऊ की मिजाज को, इस शहर को जो समझना चाहता है वो इस हिस्से का दीदार जरूर करता है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है लखनऊ की लड़ाई, इसी को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे, अपने अपने दम। आज 59 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन किसके विजय पताका फहरेगी लखनऊ के इस आसमान में, ये सवाल बड़ा कायम है। आपको बताते चले, खासतौर से यादव बेल्ट इलाकों में मतदान हो रहा है, लेकिन 2017 की बात करें तो बीजेपी ने कमाल का शानदार प्रदर्शन किया था 2022 में। हालांकि बड़ी चुनौती देने के लिए खुद अखिलेश यादव करहल से चुनावी मैदान में उतर गए ताकि अपने गढ़ को बचाया जा सके। क्या इसमें उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि मतदान को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तीसरे चरण का ये घमासान उत्तर प्रदेश में मतदान, 59 सीटों पर करहल सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट, अखिलेश यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो उन्हें बड़ी चुनौती देने की कोशिश में है। ये चार अलग अलग तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यूपी के साथ ही साथ पंजाब की भी कुल 117 सीटों पर सुबह से चल रही है वोटिंग, और यहां पर पार्टियों के अपने अपने दम। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी दुग्धाभिषेक करने के लिए पहुंचे भगवान शिव के मंदिर में। आप देखिए किस तरह से भगवान शिव को वो दही के जरिए पूजन अर्चन करने की कोशिश, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश। और ये देखिए सलमान खुर्शीद को आप देख रहे हैं, उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद फरुखाबाद से चुनावी मैदान में है। फरुखाबाद एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी के तौर पर जाना जाता है, और उस फरुखाबाद में लुईस खुर्शीद कितना बड़ा कमाल कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। सैफई, कानपुर, जालौन और झांसी की तस्वीरें भी आपके सामने है। आपको बता दें बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा अगर चार सीटों पर कहीं वोटिंग पड़ रही है तो वो है झांसी, और झांसी का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प। हालांकि 2017 में यहाँ की चारों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और किस तरह का उत्साह है, और ये देखिए लोकतंत्र की ये प्यारी तस्वीर है, एक दुल्हन जो पूरी तरह से अपने उसी लिबास में है, दूल्हा और दुल्हन। ऐसा लग रहा है कि बाद में होगा जलपान, पहले मतदान, और इसके लिए दोनों निकल चुके हैं। ये अपने आप में बहुत ही प्यारी तस्वीर, और यकीनन लोकतंत्र को यही मजबूत भी बनाती है, क्योंकि शादी के साथ ही साथ ये अपने 5 साल के लिए उस नीति नियंता को चुनने जा रहे हैं जो इनके बारे में फैसले लेगा। इसी वजह से ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ लखनऊ में लगातार आज सुबह से ही बने हुए हैं। आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, परिचय कराते हुए एक बार फिर से इन सभी की एक एक टिप्पणी मैं लूंगी। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, ब्रिजेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, राजकुमार सिंह हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, हेमंत तिवारी जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, चूंकि 2 घंटे की वोटिंग बीत चुकी है, लेकिन अब तक का माहौल क्या समझ में आया है, क्या बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं मतदाता मतदान बूथों तक जाते हुए, क्योंकि आप अलग अलग मतदान केंद्रों में जिस तरह की व्यवस्थाएं हस्ताक्षर अभियान चुनाव आयोग की ओर से चलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटिंग करने के लिए मतदान बूथों तक पहुंचे वोटर्स? देखिए लोग निकल रहे हैं, और जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि नवविवाहित जोड़ा भी गया है मतदान करने, इस पूरे इलाके में चूंकि राजनीतिक जो सरगर्मी है बहुत ज्यादा है और चुनौती बहुत ज्यादा है सपा गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच, चूंकि इस इलाके में बीजेपी ने दबदबा कायम किया था 17 में, और इस चुनाव में सपा उसे किसी भी कीमत पर उखाड़ना चाहती है। इसीलिए करहल से स्वयं अखिलेश यादव चुनाव में उतरे हैं, जसवंत नगर से शिवपाल यादव लड़ते ही हैं, और खुद मुलायम सिंह यादव को करहल में जाना पड़ा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना राजनीतिक तरीके से जो जंग है वो मजबूत है। बिल्कुल, इसी को बीजेपी मुद्दा भी बना रही है। उसका ये कहना है कि करहल में तो अखिलेश यादव की ओर से कहा गया था कि मैं आऊं ना आऊं यहां से जीत जाऊंगा, लेकिन खुद उनको बार बार आना पड़ा है। मुलायम सिंह यादव को चुनावी मैदान में अपने बुजुर्ग पिता को लाना पड़ा है, तो इसके जरिए बीजेपी तंज भी कस रही है। लेकिन एसपी बघेल करहल से कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे अखिलेश यादव को? लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो करहल सीट है वो अखिलेश के लिए कहीं ज्यादा बेहतर सीट है। जहां तक इस क्षेत्र की, इसे कहते तो यादव बेल्ट है, लेकिन यहां अध पिछड़ा जो है वो बड़े पैमाने पर है और वही निर्णय करता है। इसीलिए जो समाजवादी पार्टी है उसने तमाम जातियों को जोड़कर रखा था, तमाम एक
सभी जातियों को नेताओं को शामिल किया था, लेकिन अब परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल 2017-2019 देखा जाता है कि आज पिछड़ा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है। हाँ, अब आज ये निर्णय हो जाएगा शाक्य और लोधी साथ है किसके साथ। ये गैर यादव ओबीसी को अपने साथ जोड़कर राजकुमार सिंह जी, बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। और सिर्फ कमाल नहीं, 3 दशक में पहली बार ऐसा हुआ था जब इस बेल्ट में किसी एक पार्टी को इतने ज्यादा वोट पड़े हों। तो आज स्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही हैं या क्या माहौल लग रहा है और वोटर्स का रुख रुझान क्या समझ में आ रहा है? चित्रा जी देखिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये यादव बेल्ट है, लेकिन यादव बेल्ट सिर्फ 4 या 5 जिलों तक ही है। वहां पर जो निर्णायक वोटर है, जैसे कि ब्रजेश शुक्ला जी ने शुरुआत की, निर्णायक वोटर यहाँ पर ओबीसी नॉन यादव ओबीसी, जिसमें लोधी बहुत बड़ी संख्या में शाक्य हैं, और कानपुर देहात और आसपास की बेल्ट में सचान कटियार यानी कुर्मी है। इसके अलावा दलित वोट बैंक यहां पर सभी सीटों में बराबर का है। आप देखिए जहां मध्य उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है या जो बुंदेलखंड के जिले इसमें आ रहे हैं, वहां दलित वोटर बहुत बड़ी संख्या में। तो डिसाइडिंग या निर्णायक वोटर यही होगा, क्योंकि यादव तो समाजवादी पार्टी के साथ है माना जा रहा, और जो सवर्ण वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये माना जा रहा है। बट ये जो दलित और ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो लोधी हैं, शाक्य हैं, कुर्मी हैं, इनका वोट डिसाइडिंग होगा। और 2014-17 में ये बीजेपी के साथ चले गए थे, इसीलिए समाजवादी पार्टी का ये किला टूट गया था। हेमंत तिवारी जी, किला टूट गया था, लेकिन किले को बचाने के लिए चाचा भतीजा एक साथ मैदान में हैं और अखिलेश अपने पिता को लेकर वहां पर जा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो इसके जरिए डैमेज कंट्रोल, जो डैमेज हुआ था 17 में, क्या 22 में वो कंट्रोल हो पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और मुद्दे इस बार के, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में हमने देखा था कि मुद्दे बदल गए थे, तीसरे चरण के सबसे अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए, ये वही चरण है जिस चरण के लिए वो बहुचर्चित तस्वीर जारी करनी पड़ी थी, वो विजय बस वाली, जिसमें शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह दिखे। उसको लेकर निशाना भी बीजेपी ने साधा था कि हत्या पर बिठा दिया शिवपाल यादव को। जी देखिए, खाली 2017 नहीं, 2014 में असेंबली सेगमेंट वाइज आप देखिए तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा था। हाँ। उसके बाद उसी झटके का रेपुटेशन 2017 में हुआ, और मैंने अभी आपको जिक्र किया था, फिर कह रहा हूँ, ये मुलायम सिंह के चुनाव लड़ने के बावजूद करहल में जो जीत का फर्क था 5,000 से नीचे था। तो चुनौती तो निश्चित रूप से है यादव परिवार के लिए, अखिलेश यादव के लिए। और एक बड़ी बात बता दूं आपको जल्दी से, अभी देखिए, मुझे लगता है मंडल कमंडल की राजनीति आने के बाद पहली बार हम उत्तर प्रदेश बाइपोलर इलेक्शन देख रहा है। लेकिन जब इस चरण में हम आते हैं जहां आज मतदान हो रहा है, अगर आप बुंदेलखंड जाएं तो यहां मायावती की मौजूदगी ने पहली बार एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बहुजन समाज पार्टी के यहाँ दिख रही है। और यहाँ ये आपने बड़ी बात कही, और बांदा में भी मायावती ने बड़ी रैली की थी। वहाँ पर जो वोटर्स हैं वो बताते हैं कि मायावती जहाँ रैली करने के लिए जाती हैं वहाँ पर माहौल बदल जाता है। हालांकि मायावती जी इस बार उतनी सक्रिय नहीं दिखी, लेकिन आपका कहना है कि बुंदेलखंड में उनका अपना प्रभाव है। विजय जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जिस तरह से चुनावी मैदान में हर कोई ताल ठोक रहा है, शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है इटावा की जसवंत नगर सीट से, 5 बार से वो लगातार विधायक रहे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी के वो टिकट पर चुनावी मैदान में। हालांकि प्रसपा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। वहीं रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव दोनों एक साथ पहुंचे मतदान करने के लिए, उनसे जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया क्या जवाब मिला है, सुनिए। वोट डाल दिए प्रोफेसर साहब? यस, कहां गई उंगली? जनता से अपील करेंगे वोट डाले आके। तीसरे फेज में जनता बड़े सबके सब लोग आए, साइकिल का बटन दबाएं, योगी को हटाएं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं, ये उनसे अपील करता हूं। मेरा ये कहना है कि आप अपील कर रहे हैं, पर लगातार जिस तरह से भाजपा यहां पे प्रचार कर रही है, अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ, कहा जा रहा है कि करहल भी हार रहे अखिलेश यादव। ऐसा है, जब सन्निपात हो जाता है आदमी को, सन्निपात, तब वो जो कहता है उसका खुद अर्थ नहीं जानता है, आए बाएं साएं बकता है। अखिलेश ने पूरे बीजेपी को ऊपर से लेके नीचे तक पानी पिलवा दिया, परेशान है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, क्या उसका अर्थ है। पर इटावा में भी दो भाजपा के पास सीट थी 2017 में, यहाँ से सांसद भाजपा के हैं, मानते हैं नहीं बचा पा रहे हैं वो अपनी, अब की नहीं बचा पा रहे हैं। फेज 3 बड़ा क्रूशियल माना जा रहा है कि सुन नहीं, एक तरफा चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष, 59 में 59 सीटें जीतेंगे आप देख लीजिए, हाथरस से लेके कानपुर देहात तक हाथरस 3 सीटें जीत रहे। बढ़ चढ़ के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और साइकिल को वोट करें। 3rd बार भी जनता हमें बहुत बड़े वोटों से जिताएगी, भारी मतों से जिताएगी,
और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारी होनी चाहिए। तो अखिलेश को पूरा मेरा आशीर्वाद। वो 2022 में जो गठबंधन बनाया है तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पिछली बार कुछ वोटों से हम लोग सीट हार गए थे, लेकिन इस बार इटावा जिले की तीनों सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के आ रही है। जसवंत नगर में बड़ी जीत होगी, बगल में करहल है, मैनपुरी लगी हुई है, मैनपुरी की भी चारों सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। क्योंकि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। लोग आज रोजगार की मांग कर रहे हैं, किसानों की मांग है, छात्रों की मांग है, उन मुद्दों को हटाकर ये लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए सब बातें कर रहे हैं। कहीं कोई जमीन पर काम बीजेपी का नहीं है, लोग उनको नकार रहे हैं, लोगों के खिलाफ वोट कर रहे हैं। और आज बीजेपी पूरी तरह से हार चुकी है, और दो राउंड के बाद, दो फेजेस के बाद में जो स्थिति बीजेपी की है वो सबके सामने। तो पार्टियों के अपने अपने दावे, अपना अपना दम, लेकिन कौन दिखा पाएगा कमाल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें अखिलेश यादव, यादव परिवार के तमाम लोग सामने आकर और जीत का दावा करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यकीनन आज का चुनाव खासतौर से इन लोगों के लिए काफी ज्यादा अहम, क्योंकि चाचा और भतीजा दोनों की ही प्रतिष्ठा साख पर है, और इस बीच ये जो बड़ी लड़ाई है उसमें जीत किसकी होगी ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है। फिरोजाबाद चलते हैं, वहां से हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जानकारी लेकर। फिरोजाबाद के इस वक्त की तस्वीर किस तरह की दिखाई दे रही है हिमांशु, अगर आसपास की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखा पाएं। देखिए चित्रा, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि फिरोजाबाद की क्या तस्वीरें, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। यहां लंबी लाइन नहीं है, लेकिन लाइन लग चुकी है, और लगातार सुबह 7 बजे से पहले से इसी तरीके का क्रम जो है वो जारी है, और इस क्रम के अंदर लगातार वोटर्स जो है मतदान करने के लिए आ रहे हैं। इस जो पोलिंग बूथ है इस पर लगभग 1100 जो है वो वोट्स हैं, और यहाँ पर लगातार इसी तरीके का जो माहौल है, इतनी ही लाइन जो है वो लगी हुई है। दो पोलिंग बूथ है यहाँ पर, और इस तरीके की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। फिरोजाबाद जो है वो कांच के लिए जाना जाता है, कांच से बनी वस्तुएं जो है वो फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं, और चूड़ियों के लिए तो फिरोजाबाद बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है। यहाँ की चूड़ियाँ जो है देश विदेश के अंदर पहनी जाती हैं, यहाँ की बनाई हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद में 2017 के अंदर बीजेपी ने 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, और एक सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई थी। हरिओम यादव यहाँ से विधायक बने थे, जो मुलायम सिंह यादव के समधी है दूर के। चुनाव से एंड वक्त पहले हरिओम यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ये कहा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति के अंदर जो है पांचों विधायक वो बीजेपी के हैं। अब देखना ये है क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुछ सीटों को अपने पक्ष में कर पाएगी, क्योंकि यहाँ का जो समीकरण है वो बहुत ही अलग है। जातीय समीकरण जो है वो यहाँ पर गैर यादव ओबीसी जातियों का यहाँ पर प्रभाव है, यादव जाति भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन गैर यादव जो ओबीसी जातियां हैं वो यहाँ की जीत का बड़ा फैक्टर माना जा सकता है चित्रा। और इस गैर यादव ओबीसी के अंदर क्या समाजवादी पार्टी महत्वपूर्ण है। फिरोजाबाद की चूड़ियों का आपने जिक्र किया है, ये चूड़ियां जो होती बहुत नाजुक हैं लेकिन देखती बड़ी खूबसूरत हैं, और यकीनन थोड़ी सी भी चोट लगने पर कांच टूट जाता है। उसी तरह से वोटर्स का मिजाज भी होता है, उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी ही बात कहीं चुभ गई तो वो अपने आप में किस तरफ ऊंट करवट लेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें इसी फिरोजाबाद में जब अखिलेश यादव ने अपनी 3 चुनावी सभाओं को अलग अलग जगहों पर संबोधित किया था, तो कहा गया था कि पोलिंग बूथ पर भूत नाचेंगे बीजेपी के, इस तरह की भी बात उनकी ओर से कहते हुए वो नजर आए थे। लेकिन सीधे रुख करेंगे आशीष श्रीवास्तव औरैया से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, औरैया का मिजाज, माहौल क्या कहता है? धूप खिली हुई है, वोटर्स क्या बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकल रहे हैं आज मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए? तस्वीरें दिखाइए आप। चित्र में साफ तौर से आपको बताना चाहूंगा कि औरैया में माहौल पूरी तरीके से गर्म है, चूंकि यहाँ पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, और लगातार ऐसे बुजुर्ग हमने देखा पहली बार। आपको तस्वीरों में भी कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कुछ लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। क्या मुद्दे थे इस बार? इस बार मुद्दे तो बढ़िया है, सही है। सही है, हाँ जी। और क्या 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 आप चाहते हो इस बार, कौन सा नेता चुने? जैसा है नेता वर्तमान में वैसे ही नेता चुन रहे हैं।
तो आपको साफ बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी की तीनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी उतारे हैं, जिस तरीके से वो जीते थे पिछली बार भी इस बार, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसको बचाने के लिए अपना गढ़ कहीं ना औरैया में जिस तरीके से यहाँ पर खड़ा किया, गुड़िया कठेरिया को खड़ा किया है यहाँ पर और लखन राजपूत को खड़ा किया है बीजेपी ने, और साथ साथ सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर खड़े हुए बीजेपी से जो रिया साक है, रिया साक के लिए ये विद्युत काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उनके पिताजी अभी कुछ समय पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ चले गए थे और कहीं ना कहीं विवाद आया था, उसके बाद बीजेपी ने रिया साके को खड़ा किया है। तो ये अपनी सीटें बचाने के लिए बीजेपी इस औरैया में पूरी तरीके से इस समाजवादी गढ़ को कहीं ना कहीं भेदने के लिए लगातार ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया है जो इस समाजवादी बेल्ट और लोध इन जातियों के जो वोटर्स है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आज जहां जहां वोटिंग हो रही है, क्योंकि गैर यादव ओबीसी वोटरों के सहारे बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार स्ट्रेटेजी चेंज करते हुए अखिलेश यादव ने महान दल के साथ गठबंधन कर लिया है और उनके जो मुखिया हैं केशव देव मौर्य, उनको अलग अलग जगहों पर ले जाकर अपने पक्ष में वोटिंग की अपील लगातार उनकी ओर से करवाई जा रही है। मुकाबला यकीनन बेहद दिलचस्प और कड़ा और बड़ा भी देखने को मिल रहा है। कानपुर चलते हैं, कानपुर बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें इसी कानपुर के एक हिस्से से कांड भी सामने आया था। इसी कानपुर के एक हिस्से से जब इत्र व्यापारी के घर में छापेमारी पड़ी थी तो दुनिया ने देखा था कैसे एक घर के भीतर करोड़ों रुपए किस तरह से सजा कर रखे गए थे। वही ये कानपुर है, शुभांकर वहां से जुड़े हुए हैं। शुभांकर, लेकिन आज तो बारी मतदाताओं की है, तस्वीरें दिखाइए, माहौल मिजाज क्या बयां कर रहा है इस वक्त कानपुर का। देखिए कानपुर बड़ा दिलचस्प चित्राल दिलचस्प लिहाज से, क्योंकि 32 साल सतीश महाना जीत रहे हैं और 36 साल की उम्र में उनके सामने प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन ये यहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो भी शुरू है, हर उम्र हर वर्ग। सर आप इस बार कानपुर में वोट किस लिहाज से पड़ा, क्या सोच के आप वोट डालने जा रहे हैं? आई फील लाइक दिस टाइम द वोटिंग काउंट विल गोइंग टू इंक्रीज, रीजन इज नाउ पीपल आर मोर अवेयर। तो क्यों लोग ज्यादा जागरूक लग रहे हैं? समय बढ़ रहा है, टाइम इज गोइंग टू इंक्रीज। एंड सर क्या मसले कानपुर के रहने वाले इस बार, किस लिहाज से चुनाव अलग है? कानपुर का सर विकास तो बहुत तेजी से हुआ है और जो 70 साल का मतलब गंदगी एक दिन में या 5 साल में तो साफ हो नहीं सकती। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूं, लेकिन कहने का मतलब है अभी बीजेपी को और समय मिलना चाहिए। पार्टी की बात हम नहीं करेंगे, मैम हमारे साथ है। देखिए उम्र चित्रा यहां पर बड़ी है लेकिन हौसले जो है वो बुलंद है और यही वजह है मैम वोट देने आए। मैम आपकी उम्र कितनी है? 68 है। तो आप सुबह सुबह वोट देने आई हैं, ये जोश जो है क्या मन में था वोट देते वक्त, क्या बातें हैं, क्या कानपुर के मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप वोट दे रही हैं? कानपुर के विकास के लिए, कानपुर के विकास। हाँ जी सब, हाँ जी, महिला सुरक्षा। आप भी कुछ बातें सर? हाँ, एक तो विकास का मुद्दा है, महिला सुरक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और चूंकि यहाँ से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो यहाँ पर नई नई इंडस्ट्रीज आई हैं और बहुत विकास पिछले 7 बार से, मतलब विकास एक बड़ा मसला जी जी ठीक है। यहाँ पर देखिए चित्रा, अगर आप यहाँ देखें तो जो एसपी कैंडिडेट है उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। ठीक है शुभांकर, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल वहाँ पर मतदाताओं में उत्साह दिखाई, ठीक है आप कोशिश कीजिए अगर वो बातचीत कर पाए। जी जी जी, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनसे बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे बस जल्दी है। सर तो फतेह बहादुर जी हमारे साथ है, ये देखिए लोगों के पांव छू रहे हैं चित्रा, और सर इधर आइए, आप इधर आइए। आपकी उम्र 36 साल है और 32 साल सतीश महाना जी यहां पर लगातार विधायक बन रहे हैं, तो ये यहां पर आप इस पर कैसे फतेह करने वाले हैं? देखिए मेरा सीधा सा कहना है कि तीन बहुत विषय प्रमुख थे और सबसे पहला विषय था कि औद्योगिक मंत्रालय, औद्योगिक मंत्रालय काम होता है बेरोजगारों को रोजगार देना। आप बताइए जब कोई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं खुली, किसी बेरोजगार को आपने रोजगार नहीं दिया, कोई मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को, उद्योग नगरी कहा जाता था, कलकत्ता से लोग आते थे, आप बताइए कोई बंद फैक्ट्री खुली? मैंने ये सवाल आपके आने के पहले सतीश महाना जी यहाँ पर थे उनसे पूछा कि नौकरी को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद आपको टिकट भी मिल गया इस पर, उन्होंने कहा देखिए समाजवादी पार्टी फतेह बहादुर जी और अखिलेश यादव की नौकरी जाने वाली इस बार। बिल्कुल ये जो बोल रहे हैं इसका उल्टा होने वाला है, फतेह बहादुर तो वो बड़े बुजुर्ग हैं और उनको रिटायरमेंट मिलने वाली है। मैं जब सचिवालय जाऊंगा तो 18-19 तारीख को सबसे पहले फॉर्म लेके आऊंगा पेंशन का इनका। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं कि देखिए मैं इस बार 32 साल से विधायक हराऊंगा? महाराजपुर की जनता वर्चस्व,
बीजेपी है। चलिए चित्रा, तो यही बड़ी बात ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता वर्सेस बीजेपी है। नौकरी को लेकर शुरुआत की थी उन्होंने, इनके ऊपर केस दर्ज हुआ और उसके बाद टिकट मिला इन्हें, और बड़ा दिलचस्प इनका भी सियासी करियर रहा है। ठीक है, अब 36 साल के ये सिख उम्मीदवार कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे सतीश महाना को, जो 32 सालों से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कानपुर का भी मुकाबला भी अपने आप में बेहद दिलचस्प। कानपुर में गंगा बहती है, गंगा माँ का आशीर्वाद किसको मिलेगा? विजय जी, सीधे जरा कानपुर पे बात कर लें। कानपुर की लड़ाई भी इस बार बेहद दिलचस्प हो चुकी है। वहां पर भी बड़े बड़े दिग्गज पहुंचते हैं और लगातार आप जीत के दावे करते हैं, लेकिन इस बबार कानपुर का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या दिखाई दिया? लॉ एंड ऑर्डर है कानपुर का सबसे बड़ा मुद्दा। सिक्योरिटी पब्लिक को जो लोकल प्रॉब्लम होती थी शहरों में, और बिक्रू कांड आपको याद होगा कानपुर का, और ये पूरे खित्ते में एक जमाने में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू था और अभी भी है। चूंकि कानपुर एक मिक्स्ड पॉपुलेशन का शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, और जहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है वहां कई बार इस तरह के एलिमेंट सिर उठाते ही उठाते हैं। लेकिन कानपुर में स्मार्ट सिटी घोषित करके उसको सुधारने की कोशिश की गई, साथ में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की कोशिश की गई, इसलिए कानपुर बहुत ही अहम है दोनों पार्टियों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए। चूंकि बीजेपी का ये तो गढ़ माना जाता है, चूंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन का समीकरण है वो बीजेपी के फेवर में जाता है। अगर एक दो सीटों को छोड़ दे जहां समाजवादी पार्टी लगातार जीती है, वो भी केवल जो जातीय समीकरण या धार्मिक समीकरण है उस वजह से, अन्यथा कानपुर को लेकर जो गतिविधियां रही हैं पिछले दिनों में, चाहे टेनरीज की, गंगा की सफाई को लेकर, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट को लेकर, अटल घाट भी बनाया गया है जिसका सौंदर्यीकरण किया गया है, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ भी गए थे वहाँ, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। और वहीं पर जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी अपने बाइक रिपोर्टर में, तो हमने देखा था कि बड़े बड़े वहां पे चादर फैलाकर दस्तखत के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया है चुनाव आयोग की ओर से। जितने भी लोग अटल घाट पर जाते हैं वहां पर सिग्नेचर जरूर करके आते थे कि मैं मतदान करूंगा, और अपनी कुछ लाइनें भी वहां पर जिक्र करते थे। चुनाव आयोग के लिए शहरी क्षेत्र में मतदान बढ़ाना भी बड़ी चुनौती है, निकलना चाहिए, कम से कम शहर के लोगों को जरूर ज्यादा वोट डालना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि शहरी क्षेत्रों में मतदाता कम निकलते हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन जल्दी से, मैं चूंकि उद्योग मंत्री हैं सतीश महाना, और उद्योगों को लेकर लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश विरोधी दलों की ओर से की जाती रही है, लेकिन अगर यहां पर मैं बात महाना की सीट की कर लूं, अभी वो महाराजपुर से विधायक हैं और वहां पर तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं, लेकिन आठवीं बार जीत के लिए वो दावे कर रहे हैं क्योंकि सात बार वो जीत चुके हैं। उनकी जो जातियों के वोटर हैं वो 1000 से भी कम हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे बहुत कम हिस्से दिखाई देंगे जहां पर आप जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं उसी जाति के उम्मीदवार को वहां पर खड़ा किया जाता है मतदाताओं के मिजाज को भांपते हुए। लेकिन सतीश महाना में आखिर ऐसा क्या रहा कि अब तक जातियों के जंजाल को तोड़कर सात बार वो चुने गए, हालांकि इस बार मुकाबला कड़ा करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से जरूर की जा रही है। चित्रा जी, दो ऐसी सीटें हैं, एक सुरेश खन्ना की, बिल्कुल एक महाराजपुर, और महाराजपुर में मैं अभी दौरे में गया था, आप देखिए गांव में सतीश महाना के पास जो रुझान है, पता नहीं क्या ऐसा करते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, लोगों के गांवों में जाते हैं, छोटे छोटे फंक्शन में जाते हैं वो, और उनके दुख दर्द को बांटने का प्रयास करते हैं। इसलिए सतीश महाना का अब चुनाव है, चुनाव हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सतीश महाना आज भी लोकप्रिय हैं, और आप देखिएगा कि सतीश महाना के बाद जिनके जो उनके जाति कोई समीकरण नहीं है, लेकिन सभी जातियों का, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, मुस्लिम वर्ग का भी समर्थन उनको मिलता है। अब ये एक इस पर एक रिसर्च जरूर होना चाहिए कि जिनका जाति नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा, कितने यूपी और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर बिना जातियों के तो बात ही नहीं होती। इवन कई इलाकों में मुझे 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कवरेज करते हुए, जहां भी जाइए कई ऐसे वोटर्स भी हमें मिले जो पहले हमारी जाति भी पूछते हैं, और जब उनसे सवाल करो तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि बहनी जेकर जाति रही हो के तो वोट दे और कम से कम ज्यादा फायदा हो, इस तरह की भी बातें उनकी ओर से कही जाती है। लेकिन राजकुमार जी, मैं आपके पास आते हुए जल्दी से जरा कन्नौज की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए कानपुर में कन्नौज क्षेत्र व्यापारी की वहां छापेमारी होती है, उसके बाद कन्नौज तक इसकी गूंज सुनाई देती है, वहां पर भी कुछ जगहों पर जो इत्र व्यापारी है वहां पर छापेमारी होती है। ये छापेमारी कितना बड़ा मुद्दा, यत्र तत्र सर्वत्र जो इत्र वहां पर फैला हुआ है उसकी खुशबू किसको मिलेगी? असीम अरुण जो पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं उनको कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा आपको दिखाई दे रहा है? चित्रा जी देखिए, कन्नौज एक जमाने में समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहां से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी पार्लियामेंट गए थे
वहां से मुलायम सिंह जी भी गए हैं, वहां से अखिलेश यादव जी भी गए हैं और डिंपल जी भी गई हैं। बिल्कुल। लेकिन 2014 के बाद से ये गढ़ टूट गया समाजवादी पार्टी का, और अभी जो बात आपने कही असीम अरुण को लेकर, तो वहां कानपुर माफ कीजिएगा कन्नौज की सुरक्षित सीट से वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल। वहां पर जो मेरी जानकारी है असीम अरुण को सवर्णों का भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पहले कोई राजनीति कंट्रोवर्सी नहीं है, उनका कामकाज किसी ने देखा नहीं है, तो जब इस तरह का कोई व्यक्ति जाता है बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में बड़ी बड़ी सभाएं भी हो रही हैं, तो उसका माइलेज मिलता है। लेकिन आप ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक भी उस सीट से दोहरे साहब हैं, वो कई बार जीतते रहे, तो मुकाबला दिलचस्प है वहां पर। लेकिन मुझे थोड़ी सी बढ़त, चाहे वो कह लीजिए कि असीम अरुण के आईपीएस होने की वजह से या चर्चा में होने की वजह से या नए कैंडिडेट होने की वजह से, थोड़ी सी बढ़त मुझे असीम अरुण साहब की वहां पर दिखे। हेमंत तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, असीम अरुण अब कितनी कामयाबी दिला पाएंगे वहां पर, इस पर तो हमारी नजर है ही, लेकिन कन्नौज वो सीट है जहां पर राजनीति के ककहरे को सीखते हुए पहली बार कामयाबी हासिल की थी, चाहे वो अखिलेश यादव की हम बात करें या फिर उनकी पत्नी डिंपल यादव की बात करें, यही वो सीट है जहां से शीला दीक्षित भी पहली बार सांसद बनकर लोकसभा तक पहुंची थी, तो यहां पर इस बार मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं आप, और सबसे बड़ा मुद्दा कन्नौज का इस बार का क्या रहने वाला है? देखिए, चाहे कन्नौज हो या कानपुर मुद्दे की बात बताएं, ईमानदारी की बात है, हालांकि जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मुद्दे कहाँ हैं, मुद्दे कहाँ उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, नहीं है मुद्दे। जाति देखिए, जाति चल रही है, और इसीलिए जातियों को इंटैक्ट रखने पर अखिलेश यादव ने भी काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी काम किया। एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से है तमाम काजेज को लेकर के, अलग अलग स्थानों पर कहीं लोग है। आप जो बातें कह रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं पूछ लेती हूं। देखिए, एक तरफ इत्र कारोबारियों के ऊपर छापे जिसको बड़ा मुद्दा बनाया अखिलेश यादव ने, दूसरी तरफ इत्र व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा बनाती है बीजेपी की, भैया हम व्यापारियों को सुरक्षा देते हैं, तो इस बीच में तय करना है कन्नौज को कि वो अपनी राह किस ओर लेकर जाएगा। देखिए चित्रा जी, आपने इतिहास देखा होगा, उत्तर प्रदेश में 5 साल में सरकारें बदलने की जो रवायत रही है उसका मूल मंत्र, एक बड़ा इशू, कॉमन इशू पिछले 25 वर्षों में रहा है, लाइन ऑर्डर एक ऐसा फ्रंट है जहां बीजेपी का अपर हैंड है। और सुरक्षा देने की जहां तक बात है, तो इतना तो आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो अतीत का इतिहास रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। शायद यही एक ऐसा बिंदु है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के समग्र चुनाव में, कन्नौज से लेकर के इस चरण में जो हाथरस शुरू होकर के झांसी ललितपुर तक जाता है, उसको अपर हैंड दे रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको बनाने की कोशिश की गई। देखिए, गर्मी वाला बयान तो हम सब ने देखा था पहले चरण के चुनाव के दौरान ही, किस तरह से मुद्दे में छाया रहा था जब मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन अब अखिलेश यादव की ओर से परसों ही कहा गया है कि हम तो बाबा जी का भाप निकाल देंगे, तो इस तरह के भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे पर हमले के लिए। लखनऊ में धूप अब चढ़ती हुई चली जा रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन हवा का रुख किस ओर होगा यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल तो हवा बहाने की कोशिशें चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, हर एक दल की ओर से लगातार की जा रही है। 59 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, खासतौर से यादव बेल्ट इलाके में मतदान हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने शाक्य और कुर्मी वोटरों की बदौलत 39 में से 39 शानदार प्रदर्शन करते हुए 59 में से 49 सीटों पर, आपको बता दें कि 2017 में बाजी मारी थी, 59 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, लेकिन 59 सीटों में इस बार की स्थिति क्या होगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में 5 ध्रुवों में बटा हुआ चुनाव दिखाई दे रहा है, 117 सीटों पर, वहां पर भी सुबह से वोटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सबसे पहले गुरुद्वारा जाते हैं, उसके बाद मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, भगवंत मान वोटिंग करने के लिए जाते हैं, वो भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील करते हैं लोगों से। अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए यूपी और पंजाब की ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होने पर आई है। पंजाब में 117 सीटों पर मतदान सुबह से ही लगातार जारी है। आपको बताते चले कि साल 1959 के बाद हर चुनाव में वहां पर स्पष्ट बहुमत मिलता रहा है, लेकिन इस बार माना जा रहा है मौसम तो पंजाब का साफ है, लेकिन सियासी फिजा वहां की उलझी हुई है। पंजाब के सियासी इतिहास में पहली बार है जब चुनावी मुकाबला 2 दलों के बीच में सीधा होने के बजाय 5 ध्रुवों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले 1969 के चुनाव की तरह ही इस बार भी पंजाब की सियासी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 53 साल पुराना इतिहास पंजाब में दोहराया जाएगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है,
अमरिंदर सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनावी ताल ठोक रही है, तो इन सब के बीच शिरोमणि अकाली दल बीएसपी के साथ गठबंधन करके वहां पर लगातार दावा कर रही है कि जीत तो हमारी ही होगी, सरकार हमारी बनेगी। तो इन सब के बीच चुनावी चाल क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। मतदाताओं का आज दिन है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से बढ़ चढ़ कर मतदाता मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और साथ ही नेता जो है वो भी अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए ये बता रहे हैं कि वो आत्मविश्वास से लबरेज है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह सुबह उठ गए, गुरुद्वारा में मत्था टेका, मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है, उनसे बातचीत की है मेरे सहयोगी अशोक संघल ने, सुनिए। चन्नी साहब कितने आश्वस्त हैं आप? अरे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बनाएंगे सरकार? सरकार ऐसा है, हमने अपनी स्थिति पब्लिक के आगे रख दी है, अपने आप को पब्लिक के आगे रख दिया है। आज मैं सुबह मंदिर गुरुद्वारा आया हूँ, अपने आप को गुरु के समर्पण कर दिया है। अब जो गुरु करेगा, जो भगवान करेगा और परमात्मा करेगा और पब्लिक करेगी, वो ही होगा। क्या आशीर्वाद मांगे आपने? मैंने सर्वत के लिए भला मांगा है, पंजाब के विकास की बात की है, और अच्छी सरकार परमात्मा दे और हमें शक्ति दे कि हम अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा ईमानदारी और नेक नीति से काम करें। सबके भले की मांग करनी है, पंजाब का भला हो, पंजाब की तरक्की हो, पंजाब में आने वाली सरकार बहुत अच्छी बने। आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है, हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश की है, अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। मेरे लिए नहीं, ये पूरे पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं सभी मतदाताओं को, सारे वोटरों को, जो 18 साल तो ऊपर ने, मैं सबको यही अपील करूंगा, विनती करूंगा कि जो वोटर कार्ड है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, उनके जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें ये वोटर कार्ड लेके दिया है, इसको किसी लालच में या किसी दबाव में आकर किसी को पकड़ाना नहीं है। अपनी मर्जी से वोट करो, जिसको मर्जी वोट करो। तो एक तरफ है भगवंत मान, दूसरी तरफ है चरणजीत सिंह चन्नी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी में बड़ा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल सुखबीर बादल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका यह दावा है कि इस बार कमाल करेंगे। आपको बता दें सुखबीर बादल ने 25 साल पुरानी बीजेपी की दोस्ती को ठुकराकर कृषि कानूनों के मुद्दे पर अपनी अलग राह तय की, और बीएसपी के साथ चुनावी मैदान में शिरोमणि अकाली दल भी है। वहीं बीजेपी की अपनी चाल है, हालांकि खोने के लिए उसके पास ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अमरिंदर सिंह के साथ पाने के लिए बहुत कुछ है। पंजाब में हमारे देव सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और जानकारी के साथ सतेंद्र चौहान लांबी से हमारे साथ मौजूद हैं, और सुनील जी भट्ट गुरदासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेहा बाथम यूपी के हाथरस से हमारे साथ हैं। नेहा के पास मैं जाऊंगी, लेकिन पहले सतेंद्र आपका रुख करते हुए, कौन कौन से वो बड़े मुद्दे रहे जो पंजाब में इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा हावी आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसानों ने जिस तरह का आंदोलन किया था उसका कितना असर आज जब मतदाता मतदान बूथों तक जा रहे हैं, और किस तरह की तस्वीर आप अपने आसपास देख रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बताएं। सुनील देखिए चित्रा, अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे किसान आंदोलन के बाद से लगातार बदले हैं, और सबसे बड़ी बात आपने कही, किसान आंदोलन के बाद पंजाब की राजनीतिक तस्वीर एकदम बदल गई है। किसानों ने अपनी अलग पार्टी बना ली और उस समीकरण से तमाम राजनीतिक दलों के आंकड़े भी गड़बड़ा गए। फिलहाल मैं बादल गांव में मौजूद हूं और कैमरा दिखाता हूं, यहां पर मतदान चल रहा है, और ये वो बूथ है जहां पर कभी प्रकाश सिंह बादल ने सबसे युवा विधायक के तौर पर चुनाव लड़ा था, और आज देश में सबसे उम्र दराज नेता वो हैं, 95 साल पार कर चुके हैं। और एक चीज और बताऊंगा चित्रा, 11वीं बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, 10 बार लगातार यहां से विधायक रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये देखिए, यहां पर ये जो गढ़ है इसे बादलों का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी है, यानी कि जो मुकाबला है वो दिलचस्प नहीं बल्कि पंजाब में कहीं ना कहीं राजनीति रोमांचक दौर से भी गुजर रही है। किसान अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस पार्टी का चेहरा होते थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस जिनकी सरकार है उन्होंने दलित कार्ड खेला है, तो अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, और राजनीतिक पंडित हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से अनुमान लगाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं कि पंजाब की राजनीति दरअसल किस दिशा में जा रही है। चित्रा मैं लौटूंगी आपके पास,
ठीक है। अर्पिता आर्या भी हमारे साथ सैफई से जुड़ चुकी है। अर्पिता अगर कोई भी होगा प्लीज आप हाथ उठाएगा जल्दी से, लेकिन उसके पहले गुरदासपुर से सुनील जी भट्ट जुड़े हुए हैं। गुरदासपुर का सियासी मिजाज क्या बोल रहा है सुनील? आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए, वहां पर मतदान केंद्रों तक क्या बढ़ चढ़ कर मतदाता पहुंचे हैं हिस्सा लेने के लिए, वोटिंग करने के लिए? बिल्कुल मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। हालांकि यहाँ पर सुबह काफी ज्यादा ठंड थी, कोहरा भी था, लेकिन अब जैसे कि दिन चढ़ गया है, अब धूप भी निकल आई है और आप देख सकते हैं कि मतदाता जो है भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। पंजाब की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प है। पहले जैसे कि कहा जाता था कि दो मुख्य खेमों के बीच में लड़ाई होती थी, कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी के गठबंधन के बीच में, लेकिन इस बार दो खेमे नहीं है बल्कि कई सारे खेमे हैं। मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है पंजाब में। एक तरफ हम देखते हैं कि अकाली दल ने इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, वही भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है और जो सुखदेव सिंह ढींसा का जो खेमा है अकाली दल, उसके साथ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं और काफी यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं और काफी कड़ी चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और जहाँ तक गुरदासपुर की बात है तो लोकसभा चुनाव में हम यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल कड़ी और बड़ी चुनौती वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। नेहा बातम हाथरस से जुड़ी हुई है। अर्पिता आर्या सैफई से हमारे साथ मौजूद है। सैफई में यादव परिवार के लोग वहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे, खुद मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ। अर्पिता, वहाँ का समीकरण क्या कहता है? और आपने कुछ देर पहले किसी से बातचीत की है, वो नेता कौन थे उनके बारे में भी बताइए, वो साफ तस्वीरें हम देख नहीं पाए थे। और वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा सैफई का इस बार का क्या नजर आता है अर्पिता? जी चित्रा, देखिए अब से थोड़ी देर पहले अक्षय यादव यहां से होकर गए हैं और वो अपनी जीत का दम भर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विकास का एजेंडा, वो जो भी मुद्दे हैं वो जनता तक उन्होंने पहुंचाए, इसलिए जनता ये सोचकर वोट के लिए पहुंची है। लेकिन दावे और वादे छोड़ दीजिए क्योंकि आज लोग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। और जिस जगह पर मैं हूं सैफई, ये जशवंत नगर इलाका ये सीट आता है जहां पर शिवपाल यादव इस वक्त दम भर रहे हैं, वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अब इसको इस तरीके से समझिए कि मुलायम सिंह यादव ने यही जसवंत नगर से ही अपना पहला चुनाव 1967 में लड़ा था और उसके बाद वहां यहां से जीत हासिल की। वो तीन बार जसवंत नगर से विधायक रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी ये सीट शिवपाल यादव को दे दी। शिवपाल यादव अब यहां लगातार 25 सालों से जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार भी वो इसी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जनता, आप जो मुद्दे की बात कर रहे थे, यहां पर जो मेन मुद्दा रहा है वो बिजली का रहा है, वो सड़कों का रहा है, क्योंकि गांव-गांव सड़क पहुंचे, बिजली जो है लोगों को मिल पाए। किसानों का मुद्दा भी यहां पर कहीं कहीं कुछ ऐसे किसान है जो सही टाइम पे उनको पानी नहीं पहुंच पा रहा, ये सारी समस्याएं, क्योंकि मैं कल पूरे दिन घूमती रही, देखती रही कि किस तरीके से जनता यहां पर क्या सोचती है। तो विकास का मुद्दा जाहिर तौर पर आम जनता के मन में है और ये मुद्दे जब आज मतदान करने के लिए लोग आएंगे तो जाहिर तौर पर उनके मन में भी ये मुद्दे होने वाले हैं। कुछ लोगों से कोशिश कर लेंगे बात करने की चित्रा, अब जब आप दोबारा हमारे पास आएंगे। करहल जहां से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा भी हमारे साथ मौजूद है। आप करहल से सैफई की दूरी तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास है। सैफई में विकास का काम जो किया गया था यादव परिवार की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से, बार बार वो उसका दम भरते हैं, लेकिन कामयाबी कितनी मिलेगी ये बड़ा सवाल है। नेहा के पास चलते हैं। नेहा हाथरस, 1.5 साल पहले जिस दलित बेटी के साथ रेप का मामला सामने आया था और आधी रात में उन्हें जला दिया गया था, ये मामला बहुत तूल पकड़ा था, लेकिन आज चूंकि मतदान का दिन है, अगले 5 सालों के लिए जनता को फैसला करना है कि वो कौन से उम्मीदवार को जीत तक पहुंचाकर लखनऊ के रास्ते लेकर यहां पर सिंहासन पर विराजमान करती है, वहां के बड़े मुद्दे आज की डेट में क्या दिखाई दे रहे हैं? नेहा बिल्कुल चित्रा, और क्योंकि आप हाथरस से भली भांति वाकिफ हैं, यहाँ खुद रिपोर्टिंग करने आई थी जब हाथरस वाला वो मामला हुआ था, तब कई सवाल उस बेटी के इंसाफ को लेकर उठे थे, तब कई मांगे उठी थी कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की वहां पर भूमिका रही है, इसको लेकर भी लोगों ने चिंता जाहिर की थी। खासतौर पर पीड़िता के परिवार ने कहा था कि जिस तरीके से पुलिस की भूमिका रही है वो बेहद असंतोष वाली रही है, क्योंकि पूरे मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर सरकार पर भी
सवाल या निशान उठाए गए थे। लेकिन आज बात हाथरस की वोटिंग की हम करेंगे। मेरे ठीक पीछे आप ये मतदान केंद्र देख सकते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इस प्राइमरी स्कूल में नजर आ रही है। दो कतारें लगाई गई हैं, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कतारें हैं। लेकिन इस बीच चित्रा ये भी समझना बेहद दिलचस्प होगा कि हाथरस वो क्षेत्र जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं, आप खुद हाथरस पहुंची थी और रामवीर सिंह का किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से दबदबा रहा है, क्योंकि बीएसपी का ये गढ़ माना जाता है। 1996 से लेकर 2012 तक बीएसपी लगातार जीतती आई, उसके बाद परिसीमन इसे घोषित कर दिया गया और परिसीमन घोषित करने के बाद रामवीर उपाध्याय को अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद 2017 में तस्वीर बदली, बीजेपी यहां पर आई। हरिशंकर माहौर को देखा हमने, लेकिन हरिशंकर माहौर का भी टिकट काटकर अब अंजुला माहौर, जो कि आगरा की पूर्व मेयर रह चुकी हैं, उन पर अब बीजेपी ने भरोसा जताया है। लेकिन यहां पर जिस तरह की क्षेत्रीय राजनीति है, जिस तरह की यहां पर खासतौर पर अगर हाथरस की बात कर ले तो यहां पर ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर 4 लाख से ज्यादा मतदाता है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार के ये जो ठाकुर वोट है और ब्राह्मण वोट है वो किसके खाते में जाते हैं, क्योंकि आसान नहीं है यहां पर ये भुला पाना कि जो रामवीर उपाध्याय है उन्होंने बतौर ऊर्जा मंत्री यहां पर कितने काम किए हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती यहां हाथरस में ये भी है कि जितने यहां पर औद्योगिक काम होते थे, चाहे वो आप कपड़े का काम ले लें, वो दरअसल अब धीरे धीरे मंद पड़ते जा रहे हैं और उनको रिवाइव करना, उनको वापस। आपके पास बड़ी खबर यह है, यूपी में सुबह 9 बजे तक 8.15% मतदान हुआ है। बड़ी खबर यह है, यूपी में सुबह 9 बजे तक 8.15% मतदान की खबर है। अब जैसे जैसे दिन आगे चलेगा वैसे वैसे क्या ये मतदान का प्रतिशत और तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब पहले चरण का मतदान शुरू हुआ था हम सब ने देखा था पश्चिमी यूपी में किस तरह से उस समय ठंडा माहौल था, लेकिन अभी गर्मी भी आ चुकी है और यकीनन इस समय लखनऊ में भी उस गर्मी का एहसास हम सब जो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है मंच पर वो महसूस कर रहे हैं। पंजाब में वही सुबह 9 बजे तक देखिए तीसरे चरण में 9 बजे तक 8.15% मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में, जबकि पंजाब में 9 बजे तक 4.80% मतदान। यानी कि उत्तर प्रदेश कम से कम मतदान के मामले में पंजाब पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भारी तो वो विधानसभा की सीटों में भी है, 117 सीटें पंजाब की हैं, 403 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन तीसरे चरण में 9 बजे तक 8.15% वोटिंग हुई है। वहीं पंजाब से सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग का प्रतिशत है वो कम है, लेकिन उम्मीद यही कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ये मतदान प्रतिशत और आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस हाथरस का जिक्र यहां पर नेहा वातम करती हुई नजर आ रही थी, यकीनन हाथरस बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनकर सामने आया था। लेकिन यहां पर सीधे विजय जी में आपके पास आते हुए, लेकिन वही हाथरस जिसने 1.5 साल पहले आप यकीनन उसके ऊपर एक दाग लगा, लेकिन उसकी एक बड़ी पहचान भी है। हाथरस की जो हींग है उसकी खुशबू न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों तक आप महसूस की जा सकती है। हाथरस का जो अबीर गुलाल है यहां से वो जाता है और देश के तमाम हिस्सों में उसकी बकायदा सप्लाई हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 10 तारीख को ही आप होली मनाएंगे और उत्साह के साथ नजर आएंगे, और बीजेपी की ओर से ऐलान भी किया गया है कि महिलाओं को, बेटियों को सिलेंडर जो है वो होली और दिवाली में एक एक दिया जाएगा एक्स्ट्रा। इसका असर कुछ देख रहे हैं आप इस बार के चुनाव में जो तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है? देखिए, जो सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को, उसका असर तो ये है कि लाभार्थी क्लास, एक वोटर में भी लाभार्थी क्लास क्रिएट हो गया है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी ने बहुत ही अट्रैक्टिव घोषणाएं की हैं अपने घोषणा पत्र में और समाजवादी पार्टी ने भी उतनी ही अट्रैक्टिव घोषणाएं की हैं। लेकिन जो अभी जो वोट परसेंटेज आया जिसका जिक्र आपने किया है, उसमें सबसे रोचक आप देखिए, सबसे ज्यादा वोट कहीं पड़ रहे हैं तो मैनपुरी में पड़ रहा है। तो मैनपुरी में जो वोट पड़ रहे हैं, कन्नौज में जो वोट पड़ रहे हैं, एटा में जो वोट पड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता, जो बाईपोलर चुनाव की बात हो रही है या फिर सपा और भाजपा गठबंधन की बात हो रही है, इसमें जिन इलाकों में कांटे के मुकाबले हैं वहां पे वोट परसेंटेज ज्यादा है। और कानपुर में 5% जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 2 घंटे में सिर्फ 5% शहरी मतदाता हैं, आराम से बिल्कुल जाएंगे, घूमते फिरते जाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि नोएडा में पहले चरण में मुझे याद है कि नोएडा में सबसे कम 50% वोटिंग हुई थी, तो जो शहरी मतदाता है वो इतना सुस्त रफ्तार से क्यों जाता है वोटिंग करने के लिए? देखिए, ज्यादातर शहर के लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा जो नेता चुनाव में उतरे हैं वो कोई इस काबिल ही नहीं कि हम उनको वोट करें, इस कारण शायद वो घर से नहीं निकलते हैं और किसी को ये लगता है। और फिर 5 साल तक विजय शुक्ला जी और 5 साल तक उन्हीं नेताओं को शहरी मतदाता घर में बैठकर कोसता भी रहता है, कम से कम आज बारी है आप मतदान करने के लिए जाइए। देखिए, सर्वाधिक ज्ञान बांटने वाले ये शहरी मतदाता है, बिल्कुल आप कहीं खड़े हो जाइए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन वोट वाले दिन
आपको गांव में ज्यादा लंबी लाइनें मिलेंगी, गांव के लोग उत्साहित मिलेंगे, उनके लिए ये पर्व है। शहर में तो साहब आप दौड़ते रहिए, सारे लोग दौड़ते, मैं देखता हूँ निकालने के लिए, अभी वोट डालेंगे, शाम को वोट डाल देंगे दोपहर, तो ये इनकी प्रवृत्ति है। यहाँ लखनऊ में ही आप देखिएगा, जितना शहरी क्षेत्र है वहाँ कम मतदान होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान होता है, क्योंकि उसको वो समझ रहे हैं कि मतदान की अहमियत क्या है। लेकिन राजकुमार सिंह जी, हेमंत तिवारी जी, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं, शहरी मतदाताओं को ये समझना होगा कि मतदान का दिन कितना बड़ा होता है। लोकतंत्र की जिस ताकत का एहसास हम बार बार करना चाहते हैं, उसके लिए एक दिन आपको निकालना होगा पांच साल में और मतदान बूथों तक जाना होगा। तो अगर आपके इलाके में हो रही है वोटिंग, आप नहीं निकले हैं घरों से, तो तुरंत हो जाइए, फटाफट यार, और वोट डालने के लिए जरूर जाइए, क्योंकि यही लोकतंत्र की आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए।